हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु कुर्मी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे फलहारी आलू गुंडा। यहाँ छत्तीसगढ़ में इसे आलू गुंडा ही कहते हैं। अगर आप दक्षिण भारत चले जाएंगे तो वहाँ पर इसे आलू गोंडा भी कहते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मसाला बनाने के लिए जो सामग्री लेंगे वो है करी पत्ता, कटा हुआ धनिया, मिर्ची पाउडर, जीरा और सरसों, तिल, नमक, यहाँ पर मैं सेंधा नमक ली हूँ, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, उबले हुए आलू, भुना हुआ फल्ली और हरी मिर्च। हरी मिर्च दो बड़ी और दो छोटी ली हूँ। सबसे पहले मैं आलू को मैश कर लूंगी, फल्ली को दरदरा पीस लूंगी मिक्सी में और मिर्ची को बारीक काट लूंगी। सबसे पहले गैस पर एक पैन चढ़ाऊंगी। मैं यहाँ पर नॉन स्टिक पैन का यूज करी हूँ। अगर आप दूसरा पैन यूज करेंगे तो वो भी यूज कर सकते हैं। नॉन स्टिक पैन में कम तेल का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैं 2 चम्मच तेल डालूंगी। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उस पर मैं डालूंगी जीरा और सरसों और तिल। जब जीरा, सरसों और तिल चटक जाए तो उसमें डालूंगी बारीक कटी हुई मिर्ची। मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब इन सभी चीजों को मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। अब इस पर डालूंगी थोड़ा सा करी पत्ता। अब इन्हें 1 मिनट के लिए बस फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना है। अब मैं इस पर उबले हुए आलू डालूंगी। यहाँ पर ध्यान रखना है, आलू को उबालकर ठंडा करने के बाद ही ये मसाला तैयार करें। आप चाहे तो पहले आलू को उबालकर फ्रिज में रख सकते हैं। गरम गरम आलू को उबालकर तुरंत मसाला बनाने से मसाला चिपचिपा बनेगा, मसाला सूखा सूखा नहीं बनेगा। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान जरूर रखें। अब सभी चीजों को आलू में अच्छे से मिलाऊंगी। अब डालूंगी मैं मसाला। सबसे पहले डालूंगी मिर्च पाउडर। यहाँ पर हरी मिर्च डली हुई है तो आप अपने हिसाब से मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अब इस पर मैं डालूंगी जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर ली हूँ मैं यहाँ पर। अब इस पर डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच सेंधा नमक। उपवास में हम लोग सेंधा नमक खाते हैं तो इसे यही इस्तेमाल करूंगी। 1/2 छोटा चम्मच में डालूंगी काली मिर्च पाउडर और डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब डालूंगी भुनी हुई फल्ली। यहाँ पर मैं फल्ली को थोड़ा सा भून कर उसे ठंडा करके मिक्सी में एक बार चला ली हूँ। फल्ली का पाउडर नहीं बनाना है, यहाँ पर हमें फल्ली को दरदरा ही रखना है। अब इसे डालकर मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी आलू के साथ। यहाँ पर सभी मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिला लीजिए। सभी मसाले आलू के साथ अच्छे से मिल जाएंगे। थोड़ा सा आलू और पक जाएगा। अब उस पर मैं डालूंगी कटा हुआ धनिया और उसे अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। यहाँ पर मेरा आलू का मसाला जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद मैं हाथ में थोड़ा सा आलू का मसाला लेकर उसको नींबू का साइज बॉल बनाऊंगी। यहाँ पर इतने मसाले से मैं 10 छोटे छोटे नींबू के साइज के बॉल बनाई हूँ। यहाँ पर आटा सूखा ही है, यहाँ पर मेरा आलू बहुत ज्यादा गीला नहीं हुआ है। यहाँ पर मेरा बॉल तैयार है। अब मैं ऊपर का कवर बनाने के लिए लूंगी समा का चावल और साबूदाना। यहाँ पर मैं 1/2 कप समा का चावल ली हूँ, 1/2 कप साबूदाना ली हूँ। इसे मैं मिक्सी में डाल के इसका पहले पाउडर तैयार करूंगी। ये समा का चावल आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। समा के चावल को बघार भी बोलते हैं। यहाँ पर मेरा समा का चावल और साबूदाना का आटा तैयार है। अब मैं एक बड़ा सा बर्तन लूंगी, उस पर मैं लूंगी सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटा फलहार में खाते हैं और वो आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा।
यहाँ पर मैं एक कप सिंघाड़े का आटा ली हूँ, उस पर मैं 3 चम्मच समा चावल और साबूदाना का जो पाउडर बनाई हूँ वो डालूंगी। अगर आपको ज्यादा बनाना है तो उसी हिसाब से आप बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पर मैं समा चावल और साबूदाना का आटे का पाउडर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे जो हम लोग का ऊपर का कवर बनेगा वो थोड़ा सा कुरकुरा रहेगा। इस पर मैं डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच सेंधा नमक और 1/2 छोटा चम्मच सोडा। सोडा डालने से वो थोड़ा सा फूलेगा। अब इस पर मैं पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करूंगी। पानी थोड़ा थोड़ा डालकर ही इसे अच्छे से मिलाना है, घोल को ज्यादा पतला नहीं करना है। घोल यहाँ पर गाढ़ा ही रहेगा, अगर घोल ज्यादा पतला हो जाएगा तो आलू में अच्छे से लपेट नहीं पाएगा। अब मैं एक साइड पे कढ़ाई पे तेल गरम करने के लिए चढ़ा दी हूँ। अब मैं आलू को अच्छे से इस घोल में लपेट कर गरम तेल में तलूंगी। ऐसे एक एक करके ही मैं जितना अगर मेरा तेल है उस हिसाब से मैं उससे आलू के बॉल डाल दूंगी और धीरे धीरे ऊपर में तेल चढ़ाना है। ऐसे में अगर तेल नहीं चढ़ाएंगे तो होगा क्या, एक साइड से ही आलू गुंडा पकेगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा। यहाँ पर मेरे कढ़ाई में अभी और भी जगह है तो मैं इसमें 2 से 3 बॉल और डाल सकती हूँ। आप जितना तेल लेंगे आप उस हिसाब से आलू के बॉल डालिए। अब ये सभी आलू गुंडे को अच्छे से पलट पलट कर सेकना है। चारों तरफ से अच्छे से सुनहरा होने तक के सेकना है। जैसे ही मेरा आलू गुंडा सुनहरा हो जाए अब इसे मैं निकाल लूंगी। यहाँ पर मैं सभी आलू गुंडे को इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके सेक कर निकाल लूंगी। यहाँ पर मेरा आलू गुंडा तैयार है, इसे आप चटनी के साथ गर्मा गर्म खाइए। ये फलहार के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, इसे आलू बोंडा या आलू गुंडा भी कहते हैं। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन भी प्रेस करिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।